कंगना रनौत ने किया फिल्म फेयर अवार्ड्स को स्लैम। भड़ास निकालते हुए कंगना ने किए ट्वीट्स, कहा कि दंगे भड़काने वालों को दिए गए अवार्ड्स, उनको मिले नेशनल अवार्ड पर भी उठाया गया सवाल तो दिया मुंह तोड़ जवाब। आखिर और क्या कहा कंगना ने, आइए बताते हैं आपको। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। पंगा अभिनेत्री सोशल मीडिया पर सबसे दो दो हाथ करती नजर आती हैं। बॉलीवुड के कलाकारों और निर्देशकों से तो वो सोशल मीडिया पर भिड़ती ही रहती हैं। इसके इतर तेज तर्रार माने जाने वाले राजनेताओं को भी वो कई बार अपने तेवर में जवाब दे चुकी हैं। वो सोशल मीडिया पर किसी भी विषय पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। अब कंगना ने हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स पर भी भड़ास निकाला था। कंगना ने अवार्ड्स को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले साल इलायची अवार्ड्स एक राजनीति के तहत दिए गए थे, इसमें नंगा ही तो आया है घंटा लेकर जाएगा गैंग फिल्म गली बॉय को दे दिए गए थे, जिसने कन्हैया के JNU स्लोगन को रैप किया था। इस साल सभी इलायची अवार्ड्स उन्हें दिए गए। उन्होंने दिल्ली में दंगे भड़काए और गणतंत्र दिवस पर किसानों को दंगों के लिए उकसाया। अच्छा है, वे इलायची डिजर्व करते हैं। कंगना के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स की काफी प्रतिक्रिया आ रही है। लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने कंगना के नेशनल अवार्ड पर भी निशाना साधा। यूजर ने कहा कि सरकार के तलवे चाटने वालों को इस बार नेशनल अवार्ड मिला है। सबसे भिड़ने वाली कंगना इस प्रतिक्रिया पर कहा चुप रहने वाली थी। कंगना ने यूजर की क्लास लगा दी। अभिनेत्री ने कहा, अगर हम तुम्हारी धारणाओं के अनुसार भी चलते हैं तो सरकार उन्हें भी एंटरटेन करेगी, जो किसी न किसी तरह उनके देश के उनके एजेंडे के लिए उपयोगी है। यही मेरा पॉइंट है, अगर आप बेकार पैदा हुई हैं तो खेद है, लेकिन कुछ लोगों का इस्तेमाल इलायची पार्टी करती है और कुछ का असली पार्टी। बता दे कि हाल ही में कंगना रनौत को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। वही फिल्म फेयर अवार्ड में कंगना की फिल्म नॉमिनेट की गयी थी, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिला। वही फिल्म मेकर अवार्ड में इस बार थप्पड़ फिल्म के लिए तापसी पन्नू को जब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो उन्होंने कंगना को थैंक यू कहा। तापसी ने कहा कि अपने किरदारों के माध्यम से एक नए मानदंड बनाने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए शुक्रिया कंगना रनौत। हालांकि तापसी ने दीपिका पादुकोण, विद्या बालन और जानवी कपूर को भी धन्यवाद दिया था। और अब कंगना ने फिल्म फेयर अवार्ड्स को किया स्लैम और उनके नेशनल अवार्ड पर सवाल उठाने वालों पर भी किया वार। आखिर क्या कहना है आपका इस बारे में, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।